हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ड्रीम इलेवन में क्रिकेट की टीम देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो ऑजी ऑटकाव है, जो विक्टोरिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, तो फ्रेंड्स मैं टीम एडिट कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मेरा टीम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, विकेट कीपर ऑप्शन में दो नाम है, एलेक्स कैडी और सेब गोच। तो फ्रेंड्स, मैं एलेक्स कैडी के साथ भी जा रहा हूँ, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट कीपिंग करता है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है और ओपनिंग भी करता है। फ्रेंड्स, तो मैं एलेक्स कैडी को मेरे टीम में पिक किया हूँ। फ्रेंड्स, और सेब गोच भी अच्छा खिलाड़ी है फ्रेंड्स, तो लेकिन वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो मैं नहीं पिक किया हूँ मेरे टीम में। मैं एलेक्स कैडी को मेरे टीम में पिक किया हूँ। बैट्समैन सेक्शन में फ्रेंड्स, मैं कॉलम फर्गुसन को मेरे टीम में पिक किया हूँ। वो एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, तो उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ, तो अच्छे परफॉर्मेंस भी है दे रहे हैं उन्हों। कैमरन वाइट फ्रेंड्स एक एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी बैट्समैन है, वो अच्छा बैटिंग कर रहा है और परफॉर्मेंस पिछले मैच में अच्छा किया था, वो फॉर्म में आ गए हैं फ्रेंड्स, तो उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ। जैक वेदरवेल एक अच्छा बैट्समैन है फ्रेंड्स, जो टीम के लिए ओपनिंग करता है साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो पिछले काफ़ी सारे मैच में अच्छा खेला है फ्रेंड्स, तो उसका परफॉर्मेंस इस सीज़न में अच्छा चल रहा है, तो मैं जैक वेदरवेल को मेरे टीम में पिक किया हूँ। फ्रेंड्स, जैक लेमन जो साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान है फ्रेंड्स, मैं उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ। वो एक अच्छा बैट्समैन है फ्रेंड्स, तो मैंने उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ। पीटर हैंड्सकॉम जो विक्टोरिया के लिए अच्छा खेलने वाला एक परफॉर्मर है, जो अच्छा खेल रहा है, तो मैं उसको मेरे टीम में पिक किया हूँ। उसका सीज़न अच्छा चल रहा है फ्रेंड्स, उसको टीम ने लेना फ्रेंड्स। ऑलराउंडर फ्रेंड्स, ग्लेन मैक्सवेल जो टीम का ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, वो आगे का एक्सपीरियंस बैट्समैन और ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छा कर लेता है और बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है, विकेट भी लेता है फ्रेंड्स, तो ड्रीम इलेवन स्कोर अच्छा देता है फ्रेंड्स, तो ग्लेन मैक्सवेल को मेरे टीम में पिक किया हूँ। टॉम कूपर जो जिनका सीज़न अच्छा चल रहा है, पिछले मैच से उसका वापसी हुआ है टीम में, अच्छा खेल रहा है फ्रेंड्स, तो टॉम कूपर को मेरे टीम में पिक किया हूँ। हर मैच में एक दो विकेट तो लेता ही है और बैटिंग सेक्शन में भी अच्छा कर लेता है फ्रेंड्स। बॉलिंग सेक्शन में मैं कैन रिचर्डसन को मेरे टीम में पिक किया हूँ फ्रेंड्स, वो एक अच्छा बॉलर है, तो पर मैच में एक दो विकेट तो झटाता ही फ्रेंड्स, तो कैन रिचर्डसन को मेरे टीम में पिक किया हो। फ्रेंड्स, एडम जाम्पा जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा बॉल भी कर रहा है, हर मैच में दो तीन विकेट लेता है, तो उनको मेरे टीम में पिक किया हो फ्रेंड्स। फिर मैं आता हूँ विक्टोरिया के टॉम ओकॉनेल, जो एक अच्छा गेंदबाज है फ्रेंड्स, हर मैच में एक दो विकेट दो तीन विकेट तो लेता ही है, एक अच्छा बॉल कर रहा है जो टीम को प्रमोट करने के लिए। टॉम कॉनेल एक अच्छा खिलाड़ी है, तो मैं उनको मेरे टीम में पिक किया हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं मेरे टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन। फ्रेंड्स, जैक वेदरवेल को मैं कैप्टन और ग्लेन मैक्सवेल को मेरे टीम में वाइस कैप्टन बनाया हूँ फ्रेंड्स, जो एक अच्छा कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस किया हूँ मैंने, जो सेफ टीम के लिए और स्मॉल लीग टीम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं तो जैक लेमन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन, पीटर हैस्कॉब को भी कैप्टन वाइस कैप्टन, कैमरन वाइट को भी कैप्टन वाइस कैप्टन, कॉलम फर्गुसन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, टॉम कूपर को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन का काफ़ी सारा चॉइस है फ्रेंड्स, आप कर लेना। मैं जैक वेदरवेल्ड और ग्लेन मैक्सवेल के साथ ही जा रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सेफ टीम से खेलो और स्मॉल लीग में खेलो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करो फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं मेरा कल का सुबह का टीम, जो विक्टोरिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो का टीम। यह है मेरा टीम, यह एक सेफ टीम और स्मॉल लीग का टीम है फ्रेंड्स। ये टीम से ज़्यादा खेलो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करो फ्रेंड्स। आज के लिए यह पड़ी फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और जो कुछ जानना के लिए कॉमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट कल के मैच के लिए, और बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल वीक खेले और उन करे फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।